हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी के लिए जो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेंगे, उन सभी का जो नया सिलेबस है क्या क्या है हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात यहाँ पे हम आप सभी को इसमें ये भी चीज़ बताएंगे कि जो आपका समर ट्रेनिंग है, ठीक है, आपका फिफ्थ सेमेस्टर में करना है, आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में ही समर ट्रेनिंग मांगी जाती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो आपके जो पैथन वगैरह है, ठीक है, आपने अभी DBMS पढ़ा होगा, जो फोर्थ सेमेस्टर में DBMS जावा वगैरह पढ़ा होगा, तो आप आगे जो थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो पाइथन वगैरह है तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो किस जो आपके सब्जेक्ट हैं उसको भी पढ़ेंगे। आपको पूरा भी इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलेंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे। तो गाइज, आ चुके हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गाइज, एक बात यहाँ पर और कि यदि आप फ्री बुक चाहिए, सिलेबस वगैरह चाहिए, ठीक है, फ्री बुक की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है RK Study 2.0, तो यहाँ से आपको इसको सर्च करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गाइज कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उन सभी का है। बाकी बात अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपना मैच करा लेंगे, ठीक है। तो गाइज, हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसको हम लोग समर ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपको इस सेमेस्टर में अनिवार्य है और मांगा जाएगा। जैसे कॉलेज वाले अभी कॉलेज में जाएंगे जब, तो आपको अप्रूवल देंगे कि आप किस कंपनी से करना चाहते हैं, कंपनी का नाम बता देंगे, या फिर यदि आप किसी कंपनी को जानते हैं वहां से आप करना चाहते हैं तो आप अप्रूवल ले सकते हैं। लीगल होगा तो आपको एक्सेप्टेड कर लेगा कॉलेज, यदि लीगल नहीं होगा तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां बात ये आप समझ लेंगे कि अगर यदि आप समर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कॉलेज के संपर्क में रह के करें और कॉलेज जो जहाँ बोलते हैं वहाँ पर जाके करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी बात फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला जो हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। दूसरा है आपका वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP का यूजिंग वेब डेवलपमेंट में कैसे करते हैं, ये सारे के सारे इसमें हम लोग समझेंगे या जानेंगे, इसका पूरा सिलेबस है आपका। बाकी बात यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग जो हम लोग पाइथन पढ़ना है वो हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हमने C++ और जावा के बारे में जाना है, उसी के आधार पर अब हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन बहुत, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो बहुत इजी है, और अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है। बाकी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट आप अगला जो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, यहाँ पे मेंटेनेंस दिया गया है आपका। अगला है आपका इंटरनेट और थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका इतने सब्जेक्ट हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हैं आपके। बाकी बात एक आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जो आपको कंपलसरी है करना, तो आपको तो ये करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1000 रुपये लगेंगे शायद। और सॉफ्टवेयर प्रो से करते हैं तो वहाँ पे शायद लीगल है और यहाँ पे अप्रूवल भी मिला है कॉलेज से, तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट प्रो से कर सकते हैं। माइनर प्रोजेक्ट एक आपको लास्ट में बनाना होता है, जो आपको कॉलेज में दिखाना होता है कि आपने कौन सी चीज़ पर डेवलप किया है। जैसे पाइथन पर आपने कमांड बनाया है, PHP पर बनाया, किस पर कमांड बनाना है, वो माइनर प्रोजेक्ट के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो बस यही थी आपकी सिलेबस। यदि आप अगर आगे देखना चाहते हैं जो आपके 6th सेमेस्टर में क्या क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो माइनर प्रोजेक्ट और बनाने होते हैं, बाकी बात यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 6th सेमेस्टर में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।